रोल। लालू यादव के बेहद करीबी भोला यादव को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है, और हिरासत में इसलिए लिया गया है क्योंकि रेलवे भर्ती घोटाले में जिस तरीके से प्राइम सस्पेक्ट भोला यादव को माना जा रहा है, उसी के मद्देनज़र सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। आपको हम बता दें कि सीबीआई ने अभी से कुछ ही देर पहले भोला यादव को हिरासत में लिया, और इस वक्त सीबीआई बिल्डिंग में भोला यादव को रखा गया है, और ये माना जा रहा है कि सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद रिमांड की मांग करेगी। आपको हम बता दें कि लालू यादव जब 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे, उस वक्त वो उनके ओएसडी हुआ करते थे, और उसी दौरान ये रेलवे भर्ती घोटाला हुआ जिसमें ये कहा जा रहा है कि भर्ती के एवज में ज़मीन और प्लॉट की मांग की गई थी, और इसी वजह से उनको प्राइम सस्पेक्ट भी माना जा रहा है। हालांकि इस घोटाले को लेकर कई और लोगों से भी पूछताछ हुई है जिसमें लालू यादव सहित उनके घर के कई मेंबर्स भी हैं। भोला यादव को बताया जाता है कि वो उनके ओएसडी के साथ साथ उनके हनुमान की तरह भी थे, क्योंकि उनके घरेलू तक और साथ ही साथ जो उनके जो ऑफिशियल्स काम होते थे उनको लगातार देखते थे, और लालू यादव के क्लोज एसोसिएट में उनको माना जाता था, और इसीलिए जो है इस पूरे मामले में उनको प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा है। इससे पहले भी उनको सीबीआई ने बुलाया था, लेकिन सीबीआई के दफ्तर में वो नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। चार ठिकानों पर जो है वो छापेमारी की गई है, जिसमें से दो पटना और दो दरभंगा में छापेमारी हुई है। इसके अलावा भी सीबीआई और एक्शन करने के मोड में है। हालाँकि इस वक्त दफ्तर में मौजूद है, और जिस तरीके से इस वक्त हिरासत में लिया गया है, उसके बाद से यही कोशिश होगी सीबीआई की कि और ज़्यादा से ज़्यादा का ज़्यादा जानकारी इस बाबत उन जुटा सके, और इसीलिए ये कोशिश होगी कि जो रिमांड है वो सीबीआई को और ज़्यादा दिनों तक मिल सके। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।